राजकीय महाविद्यालय कांडा में व्याप्त समस्याओं के निदान की मांग को लेकर छात्र संघ ने जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा समस्या युक्त ज्ञापन सौंपा है। छात्र संघ अध्यक्ष उमा जोशी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज जाने वाला मार्ग कच्चा है, जिस कारण चलने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने सड़क में डामरीकरण किए जाने, चार दीवारी तथा गेट का निर्माण करने, पुस्तक मुहैया कराने, विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण करने की मांग की। इस आशय का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है। इधर जिलाधिकारी ने समस्याओं के निदान का भरोसा छात्र छात्राओं को दिलाया है। कांडा महाविद्यालय के समस्त पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय से महाविद्यालय की बहुत सारी समस्याओं के को लेकर यहाँ पे आए हैं। पूर्व में भी जैसा कि मतलब महाविद्यालय हमारा बहुत पहले बन चुका था, पर वहाँ पे एक किलोमीटर मार्ग पर डामरीकरण नहीं हुआ है। वो इससे पूर्व विधायक जी हमारे, उन्होंने भी घोषणा की थी एक किलोमीटर मार्ग पर डामरीकरण के लिए, पर अभी तक उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। और महाविद्यालय की अन्य समस्याएं जैसे गेट, चार दीवारी और महाविद्यालय में खेल कूद के लिए मैदान, जो अभी तक मतलब शासन के द्वारा मतलब उसमें अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो हम उसी संबंध में महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी ही हमारी समस्याओं को पूर्ण करेंगे। संगठन लगातार मांग तो उठा रहा है, पर कहीं ना कहीं सरकार समस्याएं नहीं सुन रही, अनदेखा कर रही है। हम लगातार जनप्रतिनिधि तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। देखो, कपकोट कॉलेज में भी वो भूमि विवाद लगातार चल रहा है और कांडा में भी स्थिति यही है कि सड़क बना दी गई है लेकिन सड़क पर डामरीकरण नहीं हो रखा है और पानी की व्यवस्था वहाँ पर है नहीं, और उसके साथ साथ वहाँ पर किताबें नहीं हैं। कांडा महाविद्यालय के साथ साथ गरुड़ महाविद्यालय में भी यही समस्याएँ हैं। बागेश्वर तो रोज़ आपके खबरों में चल रहा है। मैं अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से और छात्र संघ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि सिर्फ हमारे संगठन के लोग नहीं पढ़ रहे, आपके संगठन के भी लोग पढ़ रहे हैं, अन्य संगठन के भी लोग पढ़ रहे हैं, क्षेत्र के जनता के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो मैं सभी जनप्रतिनिधि से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार कर हमारी समस्या सुलझाई जाए। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।